it again. She had to play the trump, that's like what. I think I sing it again. She had no second chop, chop, chop. That's like what. What. I think I sing it again. She had no second chop, chop, chop. That's like what. I think I sing it again. Sing it again. हेलो गाइस, सो यार वेलकम बैक। एंड भाई आ चुका हूँ मैं फिर से एक और न्यू गेम प्ले वीडियो लेकर। अब यार परसों मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें कि मेरे मैच में गेम एक्स प्रो आया था, और गेम एक्स प्रो ने भी परसों एक वीडियो डाली थी जिसमें कि मैं आया था। अब यार होता क्या है ना कि कई बंदों को इन दोनों वीडियो को देखने के बाद बहुत बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है, क्योंकि जो गेम एक्स प्रो वाली वीडियो थी उसमें क्या था कि गेम एक्स प्रो मेरे को मार देता है, और मेरे वाली वीडियो में क्या था कि गेम एक्स प्रो किसी और से मर जाता है और मैं जिंदा रहता हूँ। तो गाइस इसके बाद बंदे कमेंट करने लगे कि भाई तूने एडिट किया है गेम एक्स प्रो वाली वीडियो में, तो मर गया था लेकिन यहाँ पे तूने एडिट करके डाल दिया व्यूज़ के लिए। भाई मतलब यार कुछ भी, मतलब जो मन में आए वो लिख दोगे। अब कई जो आपके मन में डाउट है भाई मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। अब परसों मैं गेम एक्स प्रो मैक्सन और मेरे में लॉबी में खड़े थे एंड बातचीत वगैरह कर रहे थे, और बातचीत में हमारे बीच डिसाइड होता है कि क्यों ना मैच मेकिंग करके एक मैच में आया जाए और देखते फिर आगे क्या होता है। अब इसके बाद सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं कि हम सोलो वर्सेज डुओ में मैच मेकिंग करेंगे। तो हम चारों मतलब एक साथ मैच स्टार्ट करते हैं, तो होता क्या है कि मैं लेजिट और मेरे में एक मैच में आ जाते हैं जिसमें कि क्या था कि लेजिट मेरे को मार देता है। अब इस चीज़ को क्या था कि कुछ बंदे लिख रहे हैं कि भाई तेरे को लेजिट ने मार दिया। तो भाई देखो पहली बात तो यार मेरे पास एमके थी, और लेजिट भाई एक तो अच्छा प्लेयर है, ठीक है, और ऊपर से उसके पास बैरल, ठीक है, और मेरे पास भाई एमके और उसके पास बैरल, मतलब बैरल वर्सेस एमके होगा तो आपको तो पता ही है भाई ज़्यादा फ़ायदा तो भाई बैरल वाले के पास ही रहेगा ना, और ऊपर से भाई गेम एक्स प्रो अच्छा प्लेयर भी है तो उसका डबल फ़ायदा होगा, और यहाँ पर मेरे पास एमके तो भाई मरना तो तय ही था। खैर यहाँ पे ये बात ठीक है, जो गेम एक्स प्रो ने मैच डाला वो था सोलो वर्सेस डुओ जिसमें कि मैं मारा गया। अब इसके बाद जब वो वाला मैच खत्म होता है तो हम दोबारा से बातचीत वगैरह करते हैं, और इस बार हम मैच मेकिंग करते हैं सोलो में, ठीक है। हमारे बीच डिसाइड होता है कि इस बार हम सोलो में मैच मेकिंग करेंगे, तो हम फिर से चारों एक साथ स्टार्ट करते हैं। लेकिन दूसरी बारी में क्या था कि मैं और गेम एक्स प्रो आ जाते हैं एक मैच मेकिंग में, मतलब एक लॉबी में, लेकिन मिरमैं और मैक्सटन नहीं आ पाते। अब उस वाले मैच में क्या होता है कि गेम एक्स प्रो किसी और से मर जाता है और मैं उस वाले मैच में जिंदा रह जाता हूँ। तो ये दोनों अलग अलग मैच है, ठीक है, इन दोनों को कंबाइन मत करो। ये जो दोनों मैच है ये दोनों अलग अलग है। कुछ लोग क्या थे कि इन दोनों को कंबाइन कर रहे थे और बोल रहे थे भाई तूने एडिट किया है, यार व्यूज़ के लिए इतना भी नहीं गिरूंगा मैं, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग मैच थे, ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी। अब यार कमेंट आप बोल रहे थे कि ऐसे मतलब कमेंट कर रहे कि भाई तू व्यूज़ के लिए ऐसे कर रहा है ये वो, तो भाई ये चीज़ पढ़ के मेरा हो चुका था मूड ख़राब। अब इस वाले मैच में क्या होता है कि मैं उतरता हूँ नोवो। अब क्योंकि यार ये एक रैंक पुशिंग लॉबी है तो हॉट ड्रॉप कोई भी नहीं रहता, सब आराम से सेफ उतरते हैं, क्योंकि भाई रैंक पुशिंग में हॉट ड्रॉप लेके -50 थोड़ी करवाना है किसी को। तो मेरा मूड ख़राब था एंड इस वाले मैच में मैं इतनी गंदी मौत मरूंगा ना, बस आप देखते जाओ। अब इसके बाद मैं नोवो में लूट वगैरह करता हूँ। अब यहाँ पे कोई भी नहीं आया था तो यहाँ पर मेरे को ये वाली यूएस मिल जाती है, तो इस यूएस को लेने के बाद भाई मैं यहाँ से निकल पड़ता हूँ। अब इसके बाद मैं बंदे ढूंढते ढूंढते आता हूँ मिल्टा की तरफ। अब जैसे यार मैं इधर से जा रहा था तभी यार मेरे को सामने एक बंदा दिखाई देता है, तो मैं फटाफट गाड़ी से उतर के भाई गाड़ी का कवर ले लेता हूँ, एंड वो जो बंदा था भाई वो भी मेरे को सपोर्ट कर लेता है। अब गाड़ी में तो मैं बैठ नहीं सकता था, क्योंकि अगर गाड़ी में बैठता तो भाई वो मेरे को ईजिली मार देता, तो इसलिए मैं फटाफट इस सैक के कवर से रोटेशन लेने लगता हूँ। लेकिन अब यहाँ पर मैं इसको थोड़ा डैमेज दे देता हूँ। अब डैमेज देने के बाद मैं डिसाइड करता हूँ कि अब इसके ऊपर रश किया जाए। एंड यहाँ पर मैं इसको ईजिली मार देता हूँ, मतलब भाई अच्छा बंदा था, इसने मेरे को काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे दिया। खैर इसके बाद यहाँ पर मैं हील वगैरह करता हूँ एंड इसकी लूट वगैरह करने के बाद भाई निकल पड़ता हूँ मैं यहाँ से। अब इसके बाद मैं जैसे जा रहा था भाई तभी मेरे को रास्ते में एक बोट मिलता है।
अब मेरे को एक बात सच सच बताना कि आप में से कितने लोग हैं जो कि बोट को हेडशॉट से मारते हैं। अब भाई मैं तो अधिकतर है बोट जो रहते हैं उनको हेडशॉट से मारता हूँ। खैर इसके बाद मैं मिल्टा से निकल कर भाई यहाँ से जैसे ही जा रहा था तभी क्या था कि भाई मेरे को इस वाले स्कोड हाउस में बंदे के पैरों की आवाज़ आती है, तो मैं फटाफट यहाँ पर गाड़ी रोकता हूँ। एंड इसके बाद जो बंदा था वो था यहाँ पर, क्योंकि मेरे को उसके पैरों की आवाज़ आ जाती है तो मैं यहाँ पर वेट कर रहा था कि वो जंप करे, लेकिन वो जब जंप नहीं करता है तो मैं इसके ऊपर रश कर देता हूँ। एंड इस बंदे को लग रहा था कि भाई मैं अभी भी बाहर ही हूँ तो ये इसलिए बाहर की तरफ देख रहा था। एंड इजीली मैं इसको यहाँ पर आकर मार देता हूँ। अब इसको मारने के बाद मैं फटाफट अपनी यूएस उठाता हूँ एंड फिर से बंदों को ढूंढने निकल पड़ता हूँ। अब इसके बाद आता हूँ मैं पोचिंग की। अब जैसे ही मैं यहाँ से जा रहा था तभी यार सामने मेरे को एक बंदा दिखाई देता है। अब सही टाइम पे मैं इसको स्पॉट कर लेता हूँ वरना यार मेरे को चलती गाड़ी से गिरा देता। खैर इस वाले बंदे का नाम बहुत ही देर से किल फील्ड में आ रहा था एंड मैं सोच रहा था कि भाई ये मेरे को कहाँ पे मिलेगा। खैर ये मेरे को यहाँ पे मिल जाता है। अब इसने काफ़ी ज़्यादा बंदे पेले थे तो इसको लग रहा था कि मैं भी मेरे को भी मतलब ऐसे ही पेल देगा, तो ये मेरे ऊपर अंधा रस कर रहा था, मतलब बढ़े जा रहा था आगे। अब इसके बाद मैं दिमाग लगाता हूँ एंड मेरे को इसके पैरों की आवाज़ आ गई थी, ये मेरे ठीक आगे वाले घर में आ चुका था, तो यहाँ पर मैं एक नेट कुक करता हूँ एंड यहाँ पर आकर फेंक देता हूँ एंड मेरे भाई इजी किल। अब इसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ। अब ये चाहता तो भाई मेरे को होल्ड करके बिल्कुल आराम से मार सकता था, लेकिन ये क्या था कि बिल्कुल रस कर रहा था, बिल्कुल अंधाधुंध, तो भाई हर किसी को नूब नहीं समझना चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसको एक इमोट करके दिखाता हूँ एंड इसके बाद मैं इसकी क्रेट वगैरह लूटता हूँ एंड वापस से भाई पोचिंग से निकल पड़ता हूँ। अब इसके बाद क्या था कि मैं इधर से जा ही रहा था एंड तभी यार मेरे को सामने से एक यूए जाती हुई दिखाई देती है। इस यूएस वाले को मैंने काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे दिया था एंड मेरे को इतना पता था ये काफ़ी ज़्यादा लीट है। खैर इतने में मेरे को एक और बंदा दिख जाता है। अब इसको मारने के बाद बारी थी उस यूएस वाले की, क्योंकि यार मैं उसको काफ़ी ज़्यादा लीट कर दिया था और मेरे को पता था वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा, आसपास जो घर होंगे वहीं पर रुक के वो हील करेगा। खैर जैसे ही मैं इधर से जा रहा था तभी यार मेरे को यहाँ पर उसकी यूएस खड़ी हुई दिखाई देती है, तो मैं समझ आता हूँ कि वो बंदा यहाँ पर हील करने के लिए रुका है। अब इसके बाद मैं सबसे पहले अपने आप को बूस्ट करता हूँ एंड इसके बाद मेरे को पता था कि वो इस 3 स्टोरी में ही होगा, तो यहाँ पर अब मैं रस कर देता हूँ। अब इसके बाद मैं हर जगह फ्री फायर दे देता हूँ पर यार वो इस 3 स्टोरी में नहीं निकलता। पर तभी मेरे ध्यान आता है कि इस 3 स्टोरी में एक नीचे भी तो कमरा है, क्या पता वो वहीं पर हो एंड देखो क्या होता है। अब ये जो बंदा था भाई ये यहाँ पर रुक के हील वगैरह कर रहा था एंड कैम्प कर रहा था, मतलब इस बंदे ने बिल्कुल फुटप्रिंट नहीं दिए, लेकिन खैर मेरा एक्सपीरियंस मेरे को बचा लेता है। अब ये जो बंदा था ये मेरे को कैम्प करके भी मार सकता था, लेकिन एक्सपीरियंस की बात है, क्योंकि यार इस वाले गेम को मैं जब से खेल रहा हूँ जब से ये आया है तो इतना तो पता है कि बंदे कहाँ पर कैम्प कर सकते हैं, कहाँ पर हो सकते हैं। खैर इसके बाद मैं जब इस वाले बंदे को मार कर यहाँ से जा रहा था तभी मेरे को अपने लेफ्ट में एक बग्घी दिखाई देती है। अब ये जो बंदा था ये गोलियों की आवाज़ सुनकर यहाँ पर आ जाता है। खैर यहाँ पर देखो चाहता तो यार अपनी डासिया वहाँ पर रोककर इसको इजीली मार देता, लेकिन यार हाई एंड जब सामने दिख रहा था तो मैं सोचता हूँ कि पहले हाई एंड लूँगा एंड इजीली मार दूंगा, क्योंकि हाई एंड से लो एंड वालों को मारना काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है। खैर इसके बाद अब मेरे ठीक सामने ड्रॉप था एंड ये जो यूएस वाला था ये जा रहा था ड्रॉप पर। अब यहाँ पर क्या होता है ना कि ये भी सीट चेंज करता है और मैं भी सीट चेंज करता हूँ एंड देखो भाई कैसे मारता हूँ इसको। अब बंदे ने दिमाग तो बहुत अच्छा लगाया था सीट चेंज करके मारने का, लेकिन भाई मुझे भी सोलो का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, मैं सोलो में एशिया में टॉप 30 जाकर वापस आ चुका हूँ तो इतना तो एक्सपीरियंस है। खैर यहाँ पर अभी हमारी मंजिल बाकी थी जो कि थी ड्रॉप, तो मैं किसी तरह भाई ड्रॉप पर आता हूँ, लेकिन मुझसे पहले यहाँ पर एक यूएस वाला पहुँच जाता है। इस यूएस वाले को भाई मैंने एक दो गोली मार भी दी थी एंड ये जो यूएस वाला था ये थोड़ी आगे जाके रुक जाता है, क्योंकि भाई बंदे के पास ड्रॉप की गन है तो कॉन्फिडेंस पूरा रहता है इसको। अब यहाँ पर मैं अपनी एक दो गोलियां और कनेक्ट कर देता हूँ। अब इसके बाद क्या था कि मैं एक नेट की पिन खींचता हूँ एंड इसके ऊपर एक नेट करता हूँ। अब नेट से ये बच जाता है, लेकिन ये सही टाइम था इसके ऊपर रस करने का।
अब यहाँ पर एक इजी ट्रिक, मैं पहले लेफ्ट में फायर करता हूँ तो इसको लगता है मैं लेफ्ट से आऊंगा, लेकिन मैं घूमकर राइट से आ जाता हूँ। तो गाइज ये काफी ज्यादा अच्छी ट्रिक है, आप भी इसको यूज कर सकते हो। खैर गाइज इसके बाद मैं जब यहाँ से जा रहा था तो यहाँ पर एक बंदा क्या था कि मेरी डासिया को आके कैंप कर लेता है, एंड यहाँ पर जो आपको रिफ्लेक्सेस देखने को मिलेंगे उसको देखने के बाद आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है? तो यार देखो अब गाइस कैसे लगा भाई ये वाला रिफ्लेक्स। अब इसको कोई और बंदा ना मारता तो भाई ये मेरे एमके से मरता, क्योंकि जो मेरा क्रॉस हेयर था वो बिल्कुल इसके हेड पे था। खैर इसके बाद अब जिस बंदे ने इसको मारा था, अब बारी थी उस वाले बंदे की, जो कि यार मेरे को सामने स्पॉट हो जाता है, एंड इसको भी मैं इजीली मार देता हूँ। अब इसके बाद मेरे को इस वाले बंदे की क्रेट से 6x मिल जाता है। अब इसके बाद बारी थी उस वाले बंदे की जिसने कि यार मेरे को सामने की तरफ से कार 98 का एक शॉट चिपकाया था। एंड यहाँ पर देखो, मतलब मैंने आपको बताया था ना कि भाई कमेंट पढ़ पढ़ के मेरा मूड ख़राब हो रहा था, तो यार देखो मतलब गेम में ध्यान ही नहीं था मेरा, और देखो यहाँ पर क्या हो जाता है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर उतरता हूँ। अब ये जो बंदा था ये इसी वाले घर में था, लेकिन ये क्या था, मैं जैसे ही मैं रश करता हूँ तो ये कूद के पीछे की तरफ चला जाता है। अब इसके बाद भाई मेरे पास अच्छे हेडफोन से, तो मेरे को पता चल जाता है कि ये पीछे जो दीवार है उसके पीछे जाकर बैठ गया। तो मैं एक नेड कुक करता हूँ, एंड इस नेड को मैं काफ़ी ज़्यादा ही कुक कर लेता हूँ। ये जो नेट था भाई ये थोड़ा पहले फट जाता है। खैर इसके बाद मेरे को फिर से उस वाले बंदे के पैरों की आवाज़ आती है, क्योंकि वो हल्की सी मूवमेंट देता है। अब इसके बाद मैं पीछे आता हूँ एंड वापस से एक और नेट की पिन खींचता हूँ। अब पीछे आके इसलिए जिससे कि वो अपनी पोजीशन चेंज ना कर ले। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाता है भाई, टाइम की तरफ तो मैंने देखा ही नहीं बिल्कुल, मतलब फोकस था उस वाले बंदे के पैरों की आवाज़ पे, और मूड ख़राब तो था ही खैर कमेंट पढ़ के। तो यार यहाँ पर बहुत ही गंदी मौत, और इसका भाई मेरे को बेहद खेद रहेगा। खैर गाइस गेम प्ले अच्छा लगा तो भाई गेम प्ले को जरूर से लाइक करते जाना, एंड चैनल पर पहली बार आ रहे हो एंड इसी तरह के और भी कौन के लोग इसके गेम प्ले देखने, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल के आइकन को जरूर से ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि तभी यार मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जाएगी। एंड यार थोड़ी हेल्प करना चाहते हो तो वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, एंड भाई इंस्टा पर फॉलो कर लेना, वहाँ पर मैंने अपनी सेंसिटिविटी एंड कंट्रोल्स अपलोड कर दिया, तो जल्दी से जाकर देख लो। इंस्टा की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। सो यार मैं मिलता हूं आप सभी को किसी और न्यू गेम प्ले वीडियो में, तब तक के लिए सी इन द नेक्स्ट गेम प्ले, पीस।